हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये ब्लाउज़ बना कर लाई हूँ और ये ब्लाउज़ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, मैंने ये गले से बनाया है ब्लाउज़। गले से मैंने स्टार्ट किया था और नीचे को मैंने इसको बुना। ये बहुत ही इजी है बुनने में, आसानी से ये बुन जाएगा। और देखिए, ये बनाया है मैंने 34 से लेकर 38 चेस्ट के लिए। ये आराम से आ जाएगा। अब देखिए, मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी रखी है। इसकी लेंथ रखी है मैंने 46 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 42 सेंटीमीटर। मैंने इसकी ये चौड़ाई रखी है। ये इसका मेज़रमेंट हो गया। और देखिए, आप इसके लिए 200 ग्राम वूल ले लें, 200 ग्राम। देखिए, ये मैंने ओस बाल की वूल ली है, 3-ply वूल है, मार्टीना वूल ये ली है। ओस बाल की है ये, इसी से मैं बुनती हूँ। देखिए, आप इसमें फ्लावर या बटन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ बुनना इसको। इसके लिए मैंने 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो अब मैं देखिए इसको बुनती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं चेन बनाऊंगी। चेन बनाना है तो इस तरह से मैं चेन बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1, 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब डबल क्रोशिया लेते हुए ऊपर से 1, 2, 3 थर्ड चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से देखिए, डबल क्रोशिया को बुनना है। देखिए, इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को बुन दिया है। फिर से 3 की चेन बनाना है, 1, 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब फिर से इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। इस तरह से आएगी ये चेन, 1, 2, 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से बुनना है। वन टू थ्री 3 की चेन इस तरह से बनाना है। चेन में डालना है डबल क्रोशिया को। टू थ्री 3 की चेन और इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से मैंने 3 चेन डालते हुए और डबल क्रोशिया लेते हुए चेन को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आ गई है ये चेन बनकर। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और इसमें फिर डबल क्रोशिया डालूंगी। इसमें मैंने ये 46 चेन डाले हैं 3 के। देखिए, अब चेन को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। चेन को ज्वाइन करना है तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये जो चेन थी फर्स्ट, इसमें डालकर इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने। देखिए, चेन को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से।
स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। अब डालूंगी मैं इसमें 3 की चेन, 1, 2, 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई ये चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया। फिर 1, 2, 2 की चेन और डालना है फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक ये 3। देखिए ये मैंने फर्स्ट कॉर्नर बना दिया है, यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बीच में 2 की चेन। अब 1 चेन लेना है और यहाँ चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है, 3 डबल क्रोशिया डालना है और 1 चेन, 1, 2 और ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन लेना है। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया डालूँगी, 1, 2 और एक ये 3, 1 चेन और नेक्स्ट चेन में भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक ये 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और एक ये 3। ये देखिए मैंने 7 क्लस्टर डाल दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 क्लस्टर डालने के बाद मैं इसमें कॉर्नर बनाऊंगी। कॉर्नर डालना है तो इसमें मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 चेन ले ली है मैंने और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ पर भी मैंने 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। मैंने इसमें 2 कॉर्नर बना दिए हैं, 2 कॉर्नर और बनाने हैं, टोटल इसमें 4 कॉर्नर बनाने हैं। देखिए इस तरह से क्लस्टर डालने के बाद कॉर्नर बनाने हैं। अब देखिए मैं ये यहाँ पर स्लीव्स के लिए बनाऊंगी, मुड्डे के लिए मुड्डा बनाना है। अब ये आएगा फ्रंट में, 7 क्लस्टर आएंगे फ्रंट में और 14 क्लस्टर आएंगे मुड्डे में, स्लीव्स में 3 3 के 14। 1 चेन लेना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 14 क्लस्टर पूरे करने हैं, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक ये 14। ये मैंने 14 क्लस्टर डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कॉर्नर बनाऊंगी, ये मैं तीसरा कॉर्नर बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 1 चेन लूँगी और 6 डबल क्रोशिया डालने हैं। टू की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए
यहाँ पर मैंने ये तीसरा कॉर्नर डाल दिया है। देख, ये हमारा मुड्डा आएगा यहाँ पर। ये मैंने मुड्डे में 14 क्लस्टर डाले हैं और देखिए ये मैंने फ्रंट में डाले हैं 7। अब देखिए बैक में डालूंगी मैं 7 क्लस्टर। 7 डालने हैं मैंने ये 3-3 डबल क्रोशिया के। तो इस तरह से कॉर्नर बनाने के बाद अब मैं 7 डालूंगी। 7 क्लस्टर डालने हैं। थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, 3 डबल क्रोशिया बन चेन। ये हो गए हैं 7 क्लस्टर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डालने के बाद अब इसमें मैं कॉर्नर बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी नेक्स्ट चेन में। टू की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देख, इस तरह से मैंने इसमें टोटल 4 कॉर्नर बना दिए हैं। देखिए 4 कॉर्नर बना दिए हैं इसमें मैंने, 1 2 3 और एक ये 4। 4 कॉर्नर मैंने इसमें बना दिए हैं। अब देखिए ये हमारा मुड्डा आएगा। अब मुड्डे में मैं 14 क्लस्टर डालूंगी। जैसे मैंने इसमें ये मुड्डा बनाया था वैसे मैं इसमें बनाऊंगी। 14 डालने हैं 3-3 के डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बन चेन, 3 डबल क्रोशिया बन चेन। अब बन चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है। 14 डालने हैं, 14 क्लस्टर डाले हैं। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है तो बन चेन ले ली है मैंने और इस तरह से इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना, इस तरह से आगे बढ़ा दिया है मैंने इसको। इस तरह से मैंने ये गला बना दिया है। इसमें मैंने 4 कॉर्नर बनाए हैं, 1 2 3 4। 2 कॉर्नर आएंगे फ्रंट में और 2 आएंगे बैक में। देख, ये हमारा मुड्डा आ जाएगा आर्म होल और ये बैक और फ्रंट में इस तरह से आएगा। अब देखिए मैं इसको आगे को बुनती हूँ, आगे को बुनते हुए बढ़ाना है इसको। 3 की चेन डालना है और कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया ही डालना है। टू की चेन 3 डबल क्रोशिया, देखिए मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन और देखिए यहाँ पर डालना है 3 डबल क्रोशिया। बन चेन 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बन चेन डाल दिए हैं। अब ये कॉर्नर आ गया है, अब यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। बन चेन और 6 डबल क्रोशिया, पहले 3 डबल क्रोशिया डालूंगी फिर
फिर 1 2 2 की चेन और फिर डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, वन चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आएंगे 3 डबल क्रोशिया। डालना है यहाँ पर, ये कॉर्नर आ गया है 6 डबल क्रोशिया। देख ये कॉर्नर पे मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया, वन चेन, 3 डबल क्रोशिया, वन चेन, इसी तरह से डालना है और कॉर्नर पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ तक बुनूंगी, फिर कॉर्नर पे डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये आगे को बढ़ता जाएगा। देखिए कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। देख यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक इसको अब इस तरह से बुन दिया है। अब मैं यहाँ तक इसको बुनूंगी, यहाँ तक बुनना है, इसी तरह से बुनना है 3 डबल क्रोशिया और वन चेन। बन चेन, अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है मैंने, अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। अब आगे को इसी तरह से बुनना है, कॉर्नर पे डालने हैं 6 डबल क्रोशिया और बाकी जगह डालने हैं 3 डबल क्रोशिया, वन चेन, 3 डबल क्रोशिया, वन चेन, और आगे को इसी तरह से मैं बुनते हुए बढ़ाऊंगी। इस तरह से ये गला आएगा। देखिए यहाँ से बढ़ेगा, देखिए इस तरह से मैंने अभी ये ब्लाउज़ को इतना बड़ा बना लिया है गले से। देखिए इसमें मैंने ये 3 डबल क्रोशिया और बन चेन डाले हैं। देखिए इस तरह से ये आ गया है, इतना बना लिया। देखिए मैंने इसकी रो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 रो बनाई हैं।
अब सेवन रो बनाने के बाद मैं इसमें आर्म होल बनाती हूँ। आर्म होल पर मार्क लगा देती हूँ कि आर्म होल पे अब मार्क लगाना है। देखिए गला आ गया है और ये इधर आर्म होल आ गए हैं, तो मैं ये मार्क लगाऊंगी। अब इस तरह से मार्क लगाना है, यहाँ से देखिए यहाँ पर मार्क लगाना है, 8 इंच पे मार्क लगाना है आर्म होल के लिए। और इधर से भी 8 इंच पर ही मार्क लगाना है। देखिए दोनों तरफ पर मैंने ये मार्क लगा दिए हैं। अब मैं इधर से नहीं बुनूंगी, मुड्डे की तरफ से नहीं बुनना है, आगे से मैं ब्लाउज को बुनूंगी। तो देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ से मैंने ये मार्क लगाया है। फ्रंट में अलग बनाऊंगी और बैक में अलग बनाऊंगी, फ्रंट और बैक अलग अलग बनाने हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ बुनना। यहाँ से मैं बुनूंगी, पन टू और एक ये थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और 3 की चेन, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 चेन। और देखिए कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं यहाँ पर। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं कॉर्नर पर। पंच चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये कॉर्नर आ गया है, अब यहाँ पर डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं कॉर्नर पर, इधर भी मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। वन चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ तक मैंने ये बुन लिया है, जहाँ तक मैंने ये मार्क लगाया है। अब आगे को नहीं बुनना है, आर्म होल की जगह नहीं बुनना है, इधर से ही वापस बुनना है। इधर से 1 2 3 और एक ये 4 की चेन, यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए इस तरह से इधर से वापस बुनना है, इधर को नहीं बुनना। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया,
3, फिर 1 चेन, कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं, 1 2 3, फिर 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन चेन और देखिए अब कॉर्नर आ गया है, यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी, 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 2 और 1 ये 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, यहाँ पर लास्ट में डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए मैंने सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर डाल दी है लास्ट में, 1 2 3, 3 की चेन और डालना है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 ये 2। देखिए यहाँ पर ये हो गए हैं चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर 6 डबल क्रोशिया डाल दिए, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, को रो को कंप्लीट करना है। वन चेन, अब देखिए कॉर्नर आ गया है, यहाँ पे डालूंगी मैं ये 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। वन चेन लास्ट में डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए। देखिए इस तरह से ये आ रहा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक 1 2 3, 3 रो बना ली है, एक और रो बनानी है, फिर ये आगे से कंप्लीट हो जाएगा। आगे से अब चौड़ाई में फिर नहीं बढ़ाऊँगी, तो अभी एक और रो बनानी है, तरह से बनाएंगे 1 2 3 4, 4 की चेन डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और 1 ये 3। देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए,
ओपन चेन, 3 डबल क्रोशिया, बंचेन और कॉर्नर पर डालूंगी मैं ये 6 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से कॉर्नर पर डाल दिए हैं मैंने ये 6 डबल क्रोशिया, बंचेन और यहाँ पर डालूंगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। इस तरह से मैंने ये अब पूरा कर दिया है, देखिए आगे से मैंने अभी ये पूरा कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आगे से नहीं बढ़ाऊँगी कॉर्नर पर, डबल क्रोशिया को मैं नहीं बढ़ाऊँगी, इतना ही रहने देना है। इसकी लेंथ मैंने 18 सेंटीमीटर और 7 इंच मैंने इसकी ये लेंथ रखी है, 7 इंच। देखिए इस तरह से आएगा ये मुड्डा, यहाँ से देखिए जैसे मैंने ये फ्रंट का बनाया है वैसे मैं बैक का बनाऊंगी। अब देखिए मैंने ये फ्रंट से और बैक से बुन लिया है, देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने इसमें 11 रो बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रो मैंने अभी ये बना ली हैं, कंप्लीट कर दी हैं। अब मैं ये नीचे को बनाऊंगी, ब्लाउज़ को नीचे को बुनना है, तो नीचे को बुनने से पहले मैं यहाँ से इसको क्रोशिया से बंद कर देती हूँ, सिल देती हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से क्रोशिया से इसको बंद कर देती हूँ, सिल देती हूँ। बंचेन इधर से भी चेन में लेना है और इधर से भी चेन में लेना है, फिर इस तरह से इसको सिल देना है सिंगल क्रोशिया से, सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको बुन देना है इस तरह से। इस तरह से ये सिलता हुआ आ रहा है, कि इधर की साइड तो मैंने सिल दिया है क्रोशिया से, सीधी तरफ से इस तरह से आया है सिलने के बाद। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलूंगी, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलना है, देखिए दूसरी साइड भी अब मैंने इसको सिल दिया है, दूसरी साइड भी मैंने क्रोशिया से इसको सिल दिया है, बंद कर दिया है, देखिए सीधी तरफ से इस तरह से आया है। इस तरह से ये आ गया है, देखिए अब नीचे को मैं फ्रंट से और बैक से एक साथ बुनूंगी, फ्रंट से भी और बैक से भी एक साथ मैं इसको बुन देती हूँ। और ये देखिए आर्म होल आ गया है इस तरह से, इधर से भी आर्म होल आ गया, इस तरह से आएगा ये। देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बुनना, वन टू और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया,
फिर वन चेन और थ्री डबल क्रोशिया। रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, बन चेन, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाऊंगी इस तरह से। देख आगे को मैंने अब ये बढ़ा दिया है। थ्री की चेन, देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। और नीचे को इसी तरह से मैं आगे को बुनते हुए बढ़ाऊंगी, आगे को बढ़ाना है और बुनना है थ्री डबल क्रोशिया बन चेन, थ्री डबल क्रोशिया बन चेन। देखिए इस तरह से आया है इधर से साइड से और इधर से भी इस तरह से ये आया है। देखिए इस तरह से ये ब्लाउज मैंने अब इतना बना लिया है और इसमें मैंने ये 11 रो बनाई हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बनाना, देखिए यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, 11 रो मैंने इसमें ये बनाई हैं। और इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ कि गले से इसकी लेंथ कितनी हो गई है, देखिए 25 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ हो गई है 25। देखिए अब इसका मैं बॉर्डर बनाती हूँ, बॉर्डर बनाने के लिए इसमें मैं 12 डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी, 6 डबल क्रोशिया को मैं फ्रंट से डिक्रीज करूँगी और 6 डबल क्रोशिया को मैं बैक से डिक्रीज करूँगी। टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया को मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए इस तरह से करना है डिक्रीज, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए डिक्रीज करना है, बॉर्डर को बनाते हुए इसमें मैं डिक्रीज करूँगी। तो देखिए इस तरह से अब मैं बॉर्डर बनाती हूँ और डिक्रीज करती हूँ, किस तरह से आगे बढ़ाना है। देख अब 1, 2, 3, 3 की चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देख बैक से और फ्रंट से डबल क्रोशिया को मैंने डाल दिया है। देखिए मैं फ्रंट से डालूंगी डबल क्रोशिया को और अब मैं बैक से डालूंगी डबल क्रोशिया को, अब मैं ये फ्रंट से डालूंगी डबल क्रोशिया को। इस तरह से इसका बॉर्डर बनाना है। यहाँ से मैं अब डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूंगी तो मैं यहाँ से बैक से बुनूंगी, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, अब बुनूंगी मैं फ्रंट से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब बुनूंगी मैं बैक से, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर आएगा, बैक से बुनना है और फ्रंट से डिक्रीज करते हुए। अब देखिए यहाँ से भी मैं अब डिक्रीज करूँगी, इस तरह से डिक्रीज करना है, 2 का 1 बनाना है। देखिए ये मैंने बैक से बुना है तो इसको अब मैं फ्रंट से बुनूंगी डिक्रीज करते हुए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए 2 का मैंने ये 1 बना दिया है, डबल क्रोशिया डिक्रीज करती है और अब मैं ये बैक से बुनूंगी। देखिए एक मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया को डिक्रीज किया था और एक यहाँ से मैंने 2 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बॉर्डर को बनाना है।
और बीच बीच में डिक्रीज करना है डबल क्रोशिया को, 12 डबल क्रोशिया डिक्रीज करने हैं। देखिए यहाँ से भी अब मैं डिक्रीज करूँगी, ये वन डबल क्रोशिया को यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पर, ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इसमें मैंने ये 12 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, 12 डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है, 6 डबल क्रोशिया मैंने फ्रंट से किए हैं, 6 बैक से, टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब देखिए मैं इसका आगे को इसी तरह से बॉर्डर बनाऊंगी, बिना घटाए बुनना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए 3 की चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक से और फ्रंट से बुनना है। अब डिक्रीज नहीं करना है डबल क्रोशिया को। इस तरह से आएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से आएगा ये बॉर्डर और आगे को बढ़ाना है बॉर्डर, आगे को मैं इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बढ़ाऊंगी और मैं अब ऑफ कैमरा बुनूंगी। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए मैंने ये बॉर्डर की 7th रो कंप्लीट कर दी है, 7th रो कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और इस तरह से धागे को मैं कट कर देती हूँ नीचे से। ये बॉर्डर अब मैंने कंप्लीट कर दिया है, 7th रो मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है, 7 रो देखिए इस तरह से आ गया है ये बॉर्डर। देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, कंप्लीट कर दिया है। इसकी बॉर्डर की मैंने ये 7 रो बनाई है, 7 रो बनाई है इसमें मैंने। देखिए आराम से ये नीचे से आ जाएगा, काफ़ी देखिए लूज है। देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है। देखिए नीचे का बॉर्डर तो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं स्लीव्स का बॉर्डर बनाती हूँ, फिर ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। स्लीव्स का बॉर्डर बनाना है अब। सबसे पहले मैं पूरे आर्म होल में डबल क्रोशिया डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी, बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए 1, 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, किस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से, पूरी स्लीव्स में सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से आएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए पूरे आर्म होल में मैंने ये अब डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे आर्म होल में डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसमें बॉर्डर बनाती हूँ,
फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। अब डिक्रीज नहीं करना है इसमें, डबल क्रोशिया को बिना डिक्रीज किए ही इसमें बुनना है। डिक्रीज किए ही बिना बुनना है इसमें, ये वन टू और ये थ्री, थ्री की चेन, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से डालना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट से डबल क्रोशिया को बुनना है और बैक से, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और एक ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए ये सेकंड रो भी बॉर्डर की कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब वन टू थ्री, थ्री की चेन, इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से कंप्लीट करना है, देख इसी तरह से आएगा ये बॉर्डर बनकर। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है, तीसरी रो, वन टू थ्री, थ्री रो कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। और अब इसकी देखिए मैं लास्ट रो बना रही हूँ, बॉर्डर की लास्ट रो बना रही हूँ। थ्री की चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया को डालना है, इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो किस तरह से मैंने ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए इसकी फोर्थ रो कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। धागे को मैंने कट कर दिया है। देखिए पूरे इसमें स्लीव्स में डाले हैं मैंने ये 67 डबल क्रोशिया, 67 डबल क्रोशिया मैंने इसमें डाले हैं। और इसमें मैंने ये फोर रो बनाई हैं, थ्री रो मैंने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की, और वन रो शुरू में मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया की डाली है। टोटल इसमें मैंने ये फोर रो डाली है। अब देखिए मैं दूसरी साइड का भी बॉर्डर इसी तरह से बनाऊंगी। दूसरी साइड का भी बॉर्डर मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी फोर रो बनाकर, और इसमें 67 डबल क्रोशिया ही डालूंगी मैं, जैसे मैंने इधर की साइड डाले हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों आर्म होल का बॉर्डर बना दिया है और इस तरह से आया है। देखिए ये ब्लाउज अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।